तो आती है, फिर क्या करें, ऐसे ही मजबूरी होती है यहाँ रहने के लिए, मजबूरी है रहना है। और तो यहाँ पर खोना भी आसान है, आसान क्या, वो लाजमी है, तो इसलिए बहुत ही कोशिश से, बहुत ही से जून अभी रो रहे हैं सब लोग, खेल रहे हैं मतलब बच्चे लोग, राउंड राउंड हो रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए इधर पर, तो हम चल कर रहे हैं थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए सवेरे के साथ एक नई जगह से। मैं दिखाऊं, देखिए अभी खप्तर का, अभी आज धूप निकला हुआ खप्तर में, तो ये ऐसा नज़ारा खप्तर का दिखा होगा, पूरा ग्रीनरी है, पूरा हरियाली दिख रहा होगा आपको, बढ़िया बढ़िया पेड़ और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो बहुत अच्छा है। मैं दिखाऊँगा अगर आपको, तो ये कल रात में यहाँ पर बर्फ़ गिरा था, और रात में बर्फ़ गिरा तो काफ़ी ठंडक हो गई थी, कल बहुत ठंडक थी यहाँ पर, टेम्परेचर जीरो या फिर से माइनस में भी हो सकता रहा हो, सो काफ़ी लो टेम्परेचर था। ये कुछ यूँ नज़ारा है यहाँ का, मैं जूम कर दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए यूँ नज़ारा है, कुछ ऐसी जगह है, ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, हरियाली हरियाली पूरा। और अगर रुकने की और खाने की बात करूँ मैं, तो रुकने का यहाँ पर, ये खाने के लिए यहाँ पर एक ही बना हुआ है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर खाने का, तो यहाँ पर इनका एक, इन्होंने छोटा सा लकड़ी का घर टाइप का बना रखा है, हट झोपड़ी टाइप से, तो यहाँ पर ही खाना सर्व करते हैं, खाना 300 रुपये का प्लेट देते हैं, सिर्फ भात और सब्जी मिलता है यहाँ, भात मीन्स चावल और सब्जी, चावल सब्जी मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर नीचे से लाना पड़ता है सामान, तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है सामान लाने के लिए, तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो भात सब्जी और तरकारी पत्ता गोभी होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर एक खाने वाला भांग होता है, उसकी चटनी सर्व कर की थी इन्होंने कल हमको, कल हमने भांग की चटनी खाई, बहुत अच्छी थी वो, हाँ काफ़ी टेस्टी थी। तो अभी हम थोड़ी देर में अभी रेडी हो गए हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करेंगे खप्तर को, और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे, और मैं आपको अगर दिखाता हूँ मैं आपको जो दुकान कैसी है, कैसे लोग हैं सारे, ये यहाँ पर देखिए पानी के ऐसे पाइप लगाना होता है, ऐसे पाइप से पानी लिए हैं ये, और दिखाऊंगी देखिए ये पूरा ऐसे है, ये यहाँ पर बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने, खाने के लिए बैठने के लिए, और ये थोड़ा सा छोटा सा एक झोपड़ी टाइप का, ये होटल है, ये इस टाइप का, ये पूरा इन्होंने हट टाइप बना रखा है, जो ये खाना, ये इनका नाम दिखाऊंगा, खप्तर बाबा होटल एंड शांति लज, खप्तर छेटे पाटन बजूरा, ये पूरा इन्होंने लिख रखा है, नंबर लिख रखा है अपना, ठीक है। सो ये पूरा इन्होंने सारा यहाँ पर बना रखा है, झोपड़ी टाइप का, अगर मैं अपने जो ये फोटो चला रहे हैं उनसे मिलवाऊँ, तो आपके ये देखिए, ये भैया हैं, आपका चेहरा आ रहा होगा साफ आपको, ये भैया ये दिल्ली में भी रहे हैं और ये चलाते हैं होटल यहाँ पर, तो जो भी आता है यहाँ पर वो इनके होटल में आ सकता है, यहाँ पर इनके पास रुकने की व्यवस्था भी है और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना मिल जाएगा आपको, रुकना मिल जाएगा, बाकी कुछ चाहिए नहीं, घूमना तो आप खुद घूम लोगे, ठीक है। हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बहुत यहाँ का एटमोसफियर बहुत जल्दी बदलता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, दिक्कत तो आती है, फिर क्या करें, ऐसे ही मजबूरी होती है यहाँ रहने के लिए, मजबूरी है रहना है, और हमने सेवा करना है। और एक भैया की अच्छी बात बताऊँ, मैं जैसे बजट ट्रेवलर हूँ, भैया को आगे मैं बताया मैंने, भैया हालांकि 500 रुपये लेते हैं रूम का, बट इन्होंने मेरे को फ्री स्टे दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, रात में इन्होंने रुकने के लिए, मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब बात की मैंने इनसे तो बहुत जल्दी समझ गया सब कुछ, और मतलब बहुत अच्छा व्यवहार किया, मतलब पूरा नेपाली मेरा बहुत अच्छा रहा अभी तक, जब से मैं नेपाल इंटर किया बहुत अच्छा पूरा रहा मेरा, बहुत अच्छा समय गुजरा अभी तक, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, उनमें से भैया भी एक हैं, धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। सो ये जो यहाँ पे एरिया है काफ़ी अच्छा एरिया है पूरा, मतलब नेशनल पार्क है यहाँ पर, अभी बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर आर्मी बैरिक भी है, आर्मी पूरा यहाँ पर केयर टेक करती है यहाँ का, क्योंकि नेशनल पार्क है, निकुंज है, सो आर्मी देख रेख करती है, क्योंकि ये नेशनल पार्क है, और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, लेक्स हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, सारी घूमेंगे भी, तो यही चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया ये,
तो यही उम्मीद है कि बहुत सारे टूरिस्ट इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग आएंगे, घूमेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। बहुत यहाँ पर वीडियो शूटिंग भी होती हैं, बहुत सारे गानों की शूटिंग होती हैं, लोकल नेपाली गानों की, बाहर के गानों की शूटिंग भी होती है, वीडियो शूट होते हैं बहुत सारे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं यहाँ की। एक बार दोबारा मैं नज़ारा दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये पूरा एकदम यहाँ से पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीनरी है ये। तो चलिए साथ में रहें आप लोग, चलते हैं अभी घूमने निकलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या मिलता है नया, एक्सप्लोर करते हैं साथ में, आप एक्सप्लोर करिएगा। तो घूमते रहें, ट्रैवल करते रहें, इन्जॉय करते रहें लाइफ, और नई नई चीज़ें करते रहें लाइफ में। और मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करें, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा अभी द रूमर @abhi_the_rumor @roamer। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करेंगे, यूट्यूब में भी मेरा सेम हैंडल है और फेसबुक में भी सेम हैंडल है, सबको फॉलो करें ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले। सो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, अगर हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, सब घोड़ा जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कितना अच्छा नज़ारा, घोड़े जा रहे हैं। तो हम लोग किस तरफ जाना है, चलिए चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर को यहाँ चलना है। सो आज बहुत ही अभी काफ़ी अच्छी सी कुछ लेक्स घूमने वाले हैं, बहुत अच्छी लेक है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे घूमने वाले हैं एकदम, आज आपको काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, हमको इधर जाना है इस तरफ, चलिए चढ़ते हैं ऊपर, पहुँचते हैं। अगर दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए आपको ये पीछे दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे यहाँ पर झोपड़ी टाइप घर बने हुए हैं, ये सब आर्मी के कैंप हैं, आर्मी वाले ही बस यहाँ रहते हैं, और बाकी आर्मी वाले क्योंकि नेशनल पार्क है तो आर्मी वाले इसके केयर टेक करते हैं, बाकी कोई आदमी नहीं रहता। एक वो जो हमने शॉप दिखाई वो खाने पीने की शॉप है, बाकी उन्हीं के पीछे रूम है 4-5 ठू, तो एक रूम का 500 रुपये लेते हैं वो, और खाने का 300 रुपये लेते हैं। तो ये यहाँ की अभी जो रहन सहन का ऑप्शन है अवेलेबल वो है। सो दोस्तों अभी हम चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं, मैं दिखाऊँ तो कुछ ही नज़ारा है मेरे पीछे, हमको अभी यहाँ से रूम भी आके ऊपर चढ़ना है, ऊपर वहाँ पर लेक है, फिर हम लेक में जा रहे हैं। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हम लोग वहाँ से चलने चलते चलते आए हैं, काफ़ी दूर तक नज़ारा दिखता है यहाँ पर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा छोटा सा घर, ये जो नीचे दिख रहा है वहाँ से हम चलते हुए आए हैं, वहाँ से चलते चलते देखिए आ रहे हैं ऊपर, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए आपको दिख रहे हैं अभी, बाकी लोग पीछे रह गए तो आ रहे हैं अंकल के फैमिली में, और हम लोग आगे पहुंच गए, ये अंकल लोग बैठे हुए हैं, अंकल लोग बच्चे, और ये आ रहे हैं। सो अभी हम लोग लेक जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, मैं कुछ नज़ारा दिखाऊँ आपको। तो ये नज़ारा है देखिए, ये सारा जंगल जंगल, पूरे पेड़ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये बीच से नदी की धारा जा रही है पतली सी, और ये यहाँ पर चढ़ के हमको जाना है ऊपर लेक के लिए। कुछ ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, ये देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ हरियाली हरियाली सिर्फ हरियाली है यहाँ पर, तो कुछ ही नज़ारा है। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो सब लोग आ जाएँ, फिर चलते हैं ऊपर लेक की ओर। तो आप लोग इन्जॉय करते रहें, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएं मुझे कमेंट करके, और इंस्टाग्राम में मुझे DM करें, इंस्टाग्राम मेरा अभी इधर उमर, और ब्लॉग में रहें, चलिए चल के लेक को एक्सप्लोर करते हैं आज, बहुत ही मज़ा आएगा। सो गाइस अभी हम चलते जा रहे हैं, नीचे आपको नदी धारा दिख रही होगी, ये देखिए नदी धारा बह रही है, हम लोग उधर से आए हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, चलिए सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, ये बस थोड़ी देर में ऊपर चढ़ के लेक पहुँचने वाले हैं, चलिए चलते हैं लेक को एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी अच्छी लेक होनी चाहिए, ये नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का, जब इतना अच्छा नज़ारा है तो लेक भी अच्छी ही होगी इसमें, चलिए लेक को एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है गाइस, अगर मैं दिखाऊँ आपको नज़ारा, कुछ यूँ नज़ारा है यहाँ का, ये अभी चल रहे हैं पानी की तरफ, ये ऐसे कुछ रास्ते यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, बारिश पानी भी बीच में, ये चले चलते, ये पहाड़ों के बीच से, फूलों के बीच से घुसते हुए जा रहे हैं, चले चलते। तो
गाइस अंदर 15 से 20 मिनट चलने के बाद हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ेंगे, लेक पहुँचते हैं। देखिए सब लोग खेल रहे हैं, मतलब बच्चे लोग राउंड राउंड हो रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए इधर पर, लेकिन चिल कर रहे हैं थोड़ी देर, चलिए चिल करते हैं फिर पहुँचते हैं लेक में, लेक दिखाते हैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त लेक होगी, उम्मीद है सब करें, सब मीठा होगा, लेक तो बहुत ज़बरदस्त होगी, ये श्योर है। यहाँ पर सभी लोग चिल कर रहे हैं, ये नज़ारा है कुछ यहाँ का, बहुत ही मतलब जहाँ भी आप देखोगे नज़ारा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल सारी चीज़ें हैं। चलिए रहिए साथ में, तो चलिए अभी थोड़ी देर चिल करते हैं, पहुँचते हैं फिर लेक के पास, मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। अभी रो रही थी, अभी शांत हो गई। और पानी मुख मात्र भिजाउने के यस्तो मात्र घटघट खाने हैन, रो रही थी, अभी ठीक है, अभी खेल रही है। राख्न बनायो छैन, ब्याग यहाँ ब्याग दिनु, माथिको ब्याग गर्न सक्छ, रमाइलो भयो जुन हजुर, रमाइलो भयो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रेस्ट कम्प्लीट होकर चलते हैं फिर से, हम लोग चिल कर चुके हैं, हमें दोबारा फिर समझ कर दिए, अपने वादियों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए उनको भी एक ना एक जगह मिली, तो अंकल उनकी फैमिली देखने गए हैं, देखे में क्या है, खाली जगह मिली, यहाँ पर कोई नहीं है सर, चलिए चल के दिखाते हैं आपको कुछ है कि नहीं यहाँ पर, ये देखिए ये जगह, ये लोकेशन है, ये यहाँ पर कमरे बने हुए तो खाली हैं, काफ़ी अच्छी तरह बने हुए, देखें कोई नहीं है यहाँ पर, खाली कमरे बने हुए हैं, ये इसमें तो लॉक लगा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है नेपाली में, मैं तो पढ़ नहीं पाऊँगा, जो पढ़ सकता हो पढ़ के कमेंट में था क्या लिखा हुआ है, ये कोई सेनानी करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये कमरा ये भी खाली पड़ा हुआ है, देख कुछ यूँ है। चलिए बढ़ते हैं हमें फिर से, ये देख निकलते हैं अभी यहाँ से, रूम पे लॉक लगा हुआ वो भी खाली है, ये देखिए देख रहा होगा यहाँ किसकी विंडो खुली हुई है, तो विंडो से देख सकते हैं हम, ये भी खाली है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये भी जहाँ पर लॉक लगा हुआ उसमें भी, मे भी कुछ लोग यहाँ पर रुके हों या फिर कोई आया हो, बड़ा कोई अधिकारी टाइप का रूम बनाया गया हो, और अभी खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, चलते हैं लेक की ओर, खुश हो जाना है, दिख रहा होगा आपको सभी लोग जा रहे हैं, चलिए चलते हैं हम भी ऊपर चढ़ के, यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे ट्रैक भी हैं, आप कहीं भी घूमने जाओगे छोटे छोटे ट्रैक करने पड़ेंगे आपको, बड़ा ट्रैक तो हमें 18 किलोमीटर करीब करी दिए खतरा आने के लिए, अभी छोटे छोटे ट्रैक हैं अलग अलग ब्यूटीफुल लोकेशन में जाने के लिए, चलिए चलते हैं। तो गाइस हमको चलते चलते एक कुटी दिखी, महाराज जी कुटी, तो मैंने अंकल जी से पूछा था गोरखनाथ जी कुटी है, मैं दिखाऊँ आपको, देखिए चारों तरफ, तो ये गोरखनाथ महाराज की कुटी, ये गोरखनाथ जी भी खपटर में रहा करते थे, तो उनकी कुटी है, अब कितनी पुरानी है ये तो देखिए पूछ के पता करके बताता हूँ, मतलब पता चलता है मुझे तो, काफ़ी पुरानी कुटी है, और ये देखिए यहाँ पर ये गेस्ट रूम बना हुआ है, गेस्ट का एक रूम बना हुआ है, यहाँ पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिए गए इसको,
समझ पाने लगा कि ये इस पर गा रहे पूरी कुटी। ये देखिए दिख रही होगी आपको, और ये पक्षी के लिए, और वहाँ पर टॉयलेट बनाया गया है। मे बी अभी कोई महाराज रहते होंगे यहाँ पर, उनके पूर्वज। अभी चलते हैं, तो रास्ते बहुत ही गंभीर हैं यहाँ के, तुमसे होते हुए चले चलते हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, देखते हैं कब तक लीक मिलती है। पेड़ पड़ा हुआ, गिरा हुआ, बहुत पुराना, उसमें काई भी लगी है। देखिए ऐसे एंगल पे टूटते रहते हैं हवाओं में, ऐसे गिर जाते हैं कहीं पर भी। चलिए बढ़ते हैं जी, ये हमको छोटी सी धारा मिली, चलिए चढ़ते हैं। जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, ये देखिए पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कितने बड़े बड़े पेड़, और हम लोग गुजर रहे हैं। बीच में धाराएँ हैं, आड़े तिरछे रास्ते हैं, उनसे वो गुजर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और पहुँचते हैं जहाँ हमको जाना है, जंगल के बीच में दिखाऊंगा आपको। ये नज़ारे जंगल कुछ इस तरह, ये जंगल के नज़ारे कुछ नहीं, ये चारों तरफ पेड़ ही पेड़। चलिए बढ़ते और आगे दिखाते हैं आपको कुछ और नया मिलता है। तो इतना घना जंगल है, अगर यहाँ पर सांस में नहीं चले तो खो भी सकते हैं। अभी जो अंकल की दूसरी दीदी छोटी सिस्टर हैं वो पीछे रह गए, तो उनके पास आवाज़ नहीं जा पा रही थी, लग रहा था जैसे कि खो गए वो। तो यहाँ पर खोना भी आसान क्या है, बहुत लाजमी है, इसलिए बहुत ही कॉशस से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलना होता है साथ में। अगर अकेले आओ तो भी अब खोने खतरा बहुत है। तो ये क्योंकि जंगल पे ये आम बात है, आप ट्रैकिंग करते हो तो जंगल में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो बहुत ही सावधानी से चलना होता है। जैसे अभी उनके पास आवाज़ बहुत ये भी आ रहे हैं वो, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है जंगल पे ट्रैकिंग करते समय। यहीं आप खोना जाए तो बहुत ध्यान चलना होता है। हम लोग जंगल पे थोड़ी रुकने के बाद, उनका वेट करने के बाद, कहीं खोतने के देखने के बाद, उनको जब उनके पास आवाज़ पहुँच गई, वो आ गए, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं इन रास्तों में। देखिए रास्ता दिखाऊं मैं आपको, ये रास्ता है जंगल का, ये कुछ यूँ रास्ता है, ये कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है, पर फिर भी एडवेंचर के लिए चलना तो पड़ेगा, इसलिए चल रहे हैं। तो आप भी वीडियो देखें और चलते रहें, कुछ नया करते रहें। चलिए पहुँचते आगे, जैसे कई पेड़ गिरे मिले हमको, ये यहाँ पर कई पेड़ गिरे हुए, देखे कितने मोटे मोटे पेड़ गिर गए, ये सभी इस प्रकार गिर गए हवा से आंधी से। जंगल नज़ारा कुछ इस प्रकार है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। अभी हम थोड़ा थक गए, इसलिए मेरी सांस काफ़ी तेज़ चल रही है। ये अभी काफ़ी पेड़ पड़े हुए हैं, अभी काटे गए हैं कि गिर गए हैं ये पता नहीं। और मैं आपको जरूरी बात बता दूं, जो कुटी हमको मिली थी गोरखनाथ महाराज की, वो 60-70 साल पुरानी कुटी है, 60-70 साल पुरानी, 60-70 ईयर्स हो गए उसको। वो कितनी फ्रेश लग रही थी, देखा होगा आपने, देखा है आपने, उसमें काफ़ी नई चीज़ें लगा दी गई, जैसे बाथरूम है और सोलर पैनल है, ये सब चीज़ें नहीं लगा दी गई उसमें, पर कुटी बहुत पुरानी है, 60-70 साल पुरानी कुटी है। जंगलों में लकड़ियाँ ऐसी ही होती हैं, इतनी अच्छी लकड़ी मिलती है यहाँ को कि आप कुछ भी घर बनाएंगे जल्दी टूटता नहीं है। वो नमूना आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी पहुँचते हैं लेक के पास, काफ़ी थक गए हैं, अभी दिख रहा होगा आपको चेहरे में, सांसों में, साथ में आधे घंटे से ऊपर एक घंटे लगभग होने वाले, चलते चलते हमको आज भी काफ़ी लंबा ट्रैक हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, पहुँचते हैं लेक के पास,